नमस्कार, उर्मिस कुकिंग एंड ब्लॉगिंग चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और ये कल का बर्थडे ब्लॉग है। मेरे को मालूम ही नहीं था कि मेरे बर्थडे में आया जाएगा। मेरी बेटियों ने तैयारी कर ली थी और ऐसे ही केक काटेंगे। मम्मी बोली हम लोग मंदिर जाने के लिए तैयारी कर रहे थे। एकादशी था तो शाम को, तो मेरी बेटियों ने खुद से केक बना लिया था। और चलो मम्मी केक काटेंगे, फिर बाद में आप लोग मंदिर जाना बोले, तो हम सब देवरानी जेठानी मिलकर मंदिर जाने की तैयारी कर रहे थे। फिर केक काटे, उसके बाद मंदिर गए। तो चलो ये कल शाम का वीडियो है थोड़ा सा, और मैं रात को एंड नहीं की थी तो मॉर्निंग रूटीन का थोड़ा सा दिखा दी हूँ। तो आज का ब्लॉग अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो आज का बर्थडे ब्लॉग थोड़ा देख लेते हैं, मेरे बेटियों ने कैसे मनाया अपनी माँ का बर्थडे। ऐसे तो हम लोग कभी बर्थडे नहीं मनाते हैं, और उसके पापा नहीं भी हैं अभी। महाराजा बस चलाते थे पहले, तो लोगों ने बार बार बुला कि आपको एक ठो गाड़ी छोड़ना है इंदौर पर। तो दो तीन बार बोल चुके थे, ये मना कर रही थी कि नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा। तो बोले कि दो तीन बार मना कर चुका हूँ, इस बार चला जाता हूँ। बोले हमारी दोनों गाड़ियाँ खड़ी हैं। ओ चलिए देखते हैं मेरी बेटियों ने कैसा केक बनाया और कैसे बर्थडे मनाया। इस तरह का केक बनाए थे वो लोग, मेरे को मालूम ही नहीं था कि वो लोग केक बना रहे हैं। और फिर हम लोग केक काटे शाम को, उसके बाद मंदिर गए थे। देखिए माही बोल रही है आपका कौन आरती उतारेगा, मम्मी बोल रही है आपका कहाँ गया दिया, मैं आरती उतार दूँगी बोल रही है माही। तो जिस मैं बोली कि मम्मी को आरती नहीं उतारती बेटा, बेटों को मम्मी आरती उतारती है। बोलते ठीक है बोली, और फिर आ गई। और देखिए हम लोग देवरानी जेठानी मंदिर के लिए तैयार हुए थे, एकादशी था तो केक काट के ही जाएंगे। मेरी बेटियों ने बर्थडे के लिए केक बनाया था, तो उनकी खुशी के लिए पहला ये कर लेते हैं, उसके बाद चलेंगे मंदिर। और ये रूम अभी खुला है तो आवाज़ गूंज रहा है इसमें थोड़ा सा, तो पहले केक काटते हैं उसके बाद चलेंगे फिर मंदिर। बर्थडे मनाया सब मिलकर, और कुछ तस्वीरें भी खिंचवाई। Do you do it?
छत्तीसगढ़ में एकादशी के दिन इस तरह से दिया जलाती हैं। देखिए एकादशी का पर्व इस तरह से मनाया जाता है। हम लोग भी मंदिर से आकर मेन गेट पर दिया लगा रहे हैं। बहुत सारे लोग पटाखे वटाखे भी फोड़ते हैं। एकादशी इस तरह से मनाया जाता है। आज चलिए दिखाती हूँ मैं किस तरह से यहाँ बाजा वाजा बजा कर भी लोग एकादशी मना रहे हैं। देखिए इस तरह से एकादशी मनाते हैं इधर के लोग। मैंने कल का एकादशी का वीडियो कल ही डाल दिया था, तो कल जो रात को हम लोग केक वेक काटे थे, बर्थडे मनाए थे, उसका थोड़ा सा वीडियो बनाई थी मैं, तो रात को एंड नहीं की थी, तो सुबह का काम थोड़ा ऐड कर दे रही हूँ। और आज कब लगी, चलिए सुबह में क्या क्या करी थोड़ा सा दिखाती हूँ आपको। अगर वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक शेयर और कमेंट करना। हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लास्ट तक रोज देखें। नमस्कार, अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30 और मैं उठ गई हूँ। आज थोड़ा लेट हो गया, तो चलो सुबह का काम कर लेते हैं। सुबह उठते ही झाड़ू सभी तरफ लगाते हैं, उसके बाद पोछा ओछा, अगर बर्तन ना धोए हो तो बर्तन धोना, इसी तरह का सुबह का काम रहता है। तो चलो सभी तरफ झाड़ू कर लेते हैं, फिर पोछा लगाएंगे, उसके बाद बर्तन धोएंगे, यही तो काम होता है। उसके बाद नहाना धोना। सभी उठ चुके हैं हम लोग, सभी यानी कि हम लोग दोनों देवरानी जेठानी और मेरी सासू माँ। बच्चे लोग तो इतने जल्दी नहीं उठते हैं और दोनों भाई भी इतने जल्दी नहीं उठते हैं, बाद में उठते हैं। हम ही लोग तीनों सास बहू उठ जाते हैं जल्दी ही। मेरे को ज़्यादा देर तक सोना अच्छा नहीं लगता है, मैं भले ही काम नहीं रहेगा तो भी उठ जाती हूँ। ज़्यादा देर तक सोना ठीक भी नहीं है सेहत के लिए, लेकिन बोलने पर बच्चे तो मानते नहीं हैं, नहीं उठते हैं जल्दी। मैं तो बोलती हूँ कि आदत को सही बनाए रखो, दूसरे घर जाना है मेरा, तुम लोगों को जल्दी उठा करो, लेकिन मानते नहीं हैं वो लोग, जल्दी नहीं उठते हैं। आदत बना ली है लेट में उठने का। तो देखिए मैंने रसोई वाला बरामदा झाड़ू कर लिया, अब आंगन तरफ भी झाड़ू कर लेंगे। और जो हमने नया घर बनाया है अभी रास्ता, उसको भी साफ करके पोछ लेंगे। पहले आंगन को झाड़ू लगा लेती हूँ मैं। कल पूजा किए थे एकादशी का, तो उसी तरह गन्ना वन्ना रखा है, अलग नहीं किए हैं। और मौसम ने आज शायद पानी गिरेगा, इस तरह से दिख रहा है, घना बादल छाया हुआ है, पता नहीं पानी गिरेगा शायद, ऐसा लग रहा है। और देखिए इस तरफ भी झाड़ू कर ले रही हूँ मैं। पॉलिश वॉलिश लगाए हैं, धोए हैं, फिर भी ना पूरा साफ नहीं लग रहा है। तभी झाड़ू करके फिर एक बार पोछ लूँगी, फिर साफ लग जाएगा। बोरा वोरा बिछाई थी तो एकदम से धूल था बोरा में। और देखिए छोटा सा रूम है हम लोग इधर, बेडरूम, तो मच्छरदानी लगा देने से ना और जाते आते भी नहीं बनता है, इसलिए हम लोग और एक रूम कर रहे हैं रहने के लिए। और इधर आ गई मैं, देखिए रसोई में गैस वैस को सब साफ कर लेंगे। सुबह का तो यही काम होता है, साफ सफाई, झाड़ू, बर्तन, पोछा। गैस को ना कपड़ा डाल दो तो इतना साफ करना नहीं पड़ता है। इस बार मैं कपड़ा को अलग कर दी हूँ, बहुत पुराना हो गया था, साल भर का हो गया था, तो मेरे पास बड़ा वाला पैंट नहीं है तो मैं नहीं लगा रही हूँ अभी। और देखिए रसोई वाला बरामदा भी मैंने पोछ लिया है, अब अंदर तरफ भी पोछ लेंगे। ये बड़ा सा रूम है, इसमें वीडियो करते भी बनेगा, और हमारा बेडरूम एकदम छोटा पड़ जा रहा है, तो वहाँ पर अच्छे से वीडियो करते भी नहीं बनता है। यहाँ हम लोग रहने लगेंगे तो अच्छे से वीडियो बना पाऊँगी मैं। अभी यहाँ लाइट पंखा की सुविधा नहीं किए हैं हम लोग, धीरे धीरे करेंगे। और इधर भी देखिए पोछ ले रही हूँ मैं,
दो तीन बार सफाई करने के बाद ना साफ आप लगेगा। फिर अभी थोड़ा धूल धूल ही लग रहा था, बहुत दिनों से ऐसे ही पड़ा था। तो इसी तरह का आज का ब्लॉगिंग है मेरा, बर्थडे ब्लॉग। अगर पसंद आया तो ज़रूर लाइक कर देना। मेरी बेटियों ने इस तरह से मनाया बर्थडे, 39 साल चालू होने जा रहा है आज से, पता नहीं चला कब 38 साल गुजर गए। और इसके पापा नहीं हैं, हम लोग बर्थडे मनाए तो थोड़ा अच्छा नहीं लगा। तो यही था आज का ब्लॉग, नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।